अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेट्स अनलिमिटेड। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोग को बताना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग फर्स्ट व्लॉग अपना अपलोड कर चुके हैं और आपके साथ जुड़ चुके हैं। सो ऑब्वियसली आप लोग को बताना ज़रूरी है कि क्या हुआ। सो हमारे जितने भी पेट्स थे, हमने परसों रात में बंद करा उनको, जहाँ बंद होते हैं वो। और रात में हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब हमारे ये बैकयार्ड में स्ट्रीट डॉग आ गए बहुत सारे, और उन्होंने सब तोड़ ताड़ के सबको मतलब मार दिया, खा लिया, जितने खा पाए उतने खा लिया उन्होंने, जितने मार पाए उतने मार दिया। ये हमारा बहुत ज़्यादा ही लॉस है क्योंकि जो हमारे पेट्स थे हमारे साथ 5 साल से थे, उससे भी ज़्यादा टाइम से थे। सो हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच थे उनसे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं उन्होंने कैसे क्या किया, कैसे क्या सिचुएशन हुई, और चलते हैं हम। तो ये हुआ ये कि ये जो यहाँ पे हमारे जितने भी थे 15-16 बच्चे सब यहाँ पे बंद थे, उन्होंने देखे स्ट्रीट डॉग ने इतनी ये बहुत बुरी हालत की थी, हमने फिर से उसको रखा हुआ है। ये सब पूरा उन्होंने ये सब जो है पूरा बिगाड़ के तोड़ दिया था, ये सब अंदर उन्होंने सब तोड़ दिया था। तो हुआ सीन ये, कुछ एक इसमें बंद थी जिसकी मेडिकेशन चल रही थी और एक इसमें बंद थी जिसकी मेडिकेशन चल रही थी, बाकी सब इसमें इसमें और इसमें बंद थे। सो जितने भी इसमें थे 15 पूरे बंद थे। और जो हमने आपको अपने बेबीज दिखाए थे जो 1 मंथ के अभी हुए थे, तो वो सब उसमें इसमें इसमें बंद थे। ट्रिपलेट्स और जो हमारा कड़कनाथ था वो इसमें बंद था, और 2 इसमें हमारी बंद थी, और बच्चे जो थे 8-9 तो वो उसमें बंद थे। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको तोड़ा, पता नहीं कैसे किस तरीके से तोड़ा इसको, इस दरवाज़े को तोड़ा उन्होंने ऐसे करके, जैसे भी तोड़ा, बिकॉज़ ये देखिए ये भी टूटा पड़ा है पूरा, ये सब टूटा पड़ा है। उन्होंने तोड़ा और कैसे उन्होंने मारा क्या किया, और बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत बुरी हालत कर दी उनकी, और हम लोग को कुछ भी नहीं पता चल पाया क्योंकि कोई आवाज़ ही नहीं गई हमारे घर तक के। सो जब हम सुबह आए तब हम लोग को पता चला कि कैसे क्या हुआ है, समझ हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। और ये सब उन्होंने तोड़ दिया था, ये सब नीचे पड़ा है ये सब तोड़ दिया था उन्होंने। तो हम आपको दिखाएंगे पूरे घर में कैसे उनके पर पड़े हैं। बॉडीज़ तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने बनाई नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे उस टाइम पे, और हमारे लिए तो बहुत बड़ा ही लॉस है क्योंकि हमारे साथ बहुत टाइम से थे वो लोग, हमारी फैमिली की तरह थे। सो उसकी वीडियोज़ तो हमारे पास नहीं है, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने क्या करा डॉग्स ने। ये देखें, ये देखिए, ये जितने पर हैं सब उन्होंने मार मार के फेंका हुआ था, और ये सब ये देखिए हम आपको दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए ट्रिपलेट्स के पर हैं सब, उन्होंने कैसे मार के फेंका था उन लोग को, पूरे बैकयार्ड में सब पर पड़े हैं, सब बॉडीज़ पड़ी थी पूरे चारों तरफ। सो बहुत ज़्यादा उन्होंने बुरा हाल कर दिया था। और हुआ ये, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आए कहाँ से ये स्ट्रीट डॉग, तो स्ट्रीट डॉग आए यहाँ से, ये पीछे घर बन रहा था, उन्होंने दीवार तोड़ी, और उनसे बोला भी गया था कि हमारे के यहाँ बच्चे हैं, उनको खुद को भी पता था कि हमारे के यहाँ ये बच्चे हैं क्योंकि, और उनसे बोला था कि आप अपना बनवा लिए बट हमारी दीवार उठा दिएगा, 10 दिन हो गए थे बट उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं बनाया ही नहीं उन्होंने वो दीवार। ये तो कल अब हम लोगों ने मतलब टेम्प्रेरी बना दी है, मेरे पापा ने बनवाई है टेम्प्रेरी, क्योंकि वो लोग कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ करना है, बट अब हमारा तो लॉस हो गया ना, तो उनका तो कुछ नहीं गया। सो स्ट्रीट डॉग ने ये सब तोड़ ताड़ के, ये पूरा धक्का का मार के जो यहाँ से आए, एक स्ट्रीट डॉग नहीं था बहुत सारे थे, 5-6 स्ट्रीट डॉग थे। तो ये पूरा उन्होंने तोड़ के, उन्होंने पूरा दरवाज़ा वहाँ जहाँ हमारे बच्चे बंद होते थे वहाँ का तोड़ के पूरा उनको मार दिया, समझ लिए। और वो कैसे उनका क्या हुआ वो तो वही लोग जान सकते हैं। और अब आपको हम आपको दिखाएं, ये देखें, ये सब पर पड़े हैं उनके, ये सब पूरी सब उनकी बॉडी के अंदर का जितना भी था, ये देखिए ब्लड है, ये सब पूरा ब्लड है पूरा। उन्होंने बहुत बुरा हाल करा हुआ था पूरे घर में, हमारे पूरे बैकयार्ड में जितना भी था सब जगह बॉडी पड़ी हुई थी। और उन्होंने ऐसा
भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा पूरे घर में, हमारे पूरे बैकयार्ड में। ये देखिए जितने भी सब पर पड़े हैं उनके सब, ये देखिए पूरे घर में उन्होंने कत्लेआम मचाया हुआ था। एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहाँ वो लोग पड़े ना हों। आधी बॉडीज पड़ी हुई थी, सब इधर पड़ा हुआ था उनका पूरी, एक इधर बॉडी पड़ी हुई थी पूरी। हमारे ट्रिपलेट्स तो एक ट्रिपलेट मिली थी, बाकी पूरी दो ट्रिपलेट्स की तो बॉडी भी नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं मिला था, नामो निशान ही था। और जो 8 बच्चे थे उनके नामो निशान नहीं मिला था, 3-4 जो हमारी मुर्गियाँ थी उनका भी कोई नामो निशान नहीं मिला था, और सिर्फ 4-5 बॉडीज मिली थी। ये देखिए फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है, पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। सो गाइस, मैंने ये व्लॉग आप लोग को इन्फॉर्म करने के लिए ही बनाया था, और अभी हम कुछ टाइम तक के व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मंथ एक नई वीडियो के साथ। सो ये व्लॉग अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।